हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई और डिप्लोमा के सैलरी का फुल कंपैरिजन कराने वाले हैं। किसी भी प्राइवेट और मल्टीनेशनल कंपनी में आईटीआई वाला बंदा कब डिप्लोमा वाले से अधिक सैलरी पा जाता है, कब पाने लगता है, इस टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे। यदि आप आईटीआई क्वालिफाइड हैं या फ्रेशर हैं तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। डिप्लोमा है आपको तो आपको भी इस वीडियो को देखना चाहिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहिए ताकि आपको सैलरी से रिगार्डिंग सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और यदि आप एक साल एक्सपीरियंस कर लेते हो, एक साल एक्सपीरियंस हो जाता है तो आफ्टर एक्सपीरियंस आपका क्या सैलरी होगा, और आफ्टर आप अगर एक्सपीरियंस होगा मान लीजिए 4 साल 5 साल 2 साल 3 साल, मतलब कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए आप, तो दोस्तों इसके बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा किसी भी प्राइवेट एमएनसी कंपनी में, तो इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए आपको इस टाइम वेस्ट बिना किए हुए हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि आईटीआई वाले बंदे को सैलरी क्या दिया जाता है किसी भी प्राइवेट या किसी भी एमएनसी कंपनी में। दोस्तों यहाँ पर यदि आपने आईटीआई आपकी क्वालिफिकेशन है तो जो आपकी सैलरी लगाई जाएगी ट्रेनिंग पीरियड में, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपकी सैलरी रहेगी 15 से 16 हज़ार रुपये। इस टाइम आपको 15-16 हज़ार रुपये दिया जाता है यदि आपको अप्रेंटिसशिप में रखा जाता है। यदि आपको अप्रेंटिसशिप में रखा जाए तभी आप कंपनी को ज्वाइन करिए, कॉन्ट्रैक्ट में मत करिए, क्योंकि अप्रेंटिसशिप का मिलेगा सर्टिफिकेट। जब आप कंपनी स्विच करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या आपको हाइक मिलेगा, सैलरी में हाइक मिलेगा 30% का। अब आप मान लीजिए जहाँ 16 हज़ार पा रहे हो तो वहाँ पर जाकर 20-21 हज़ार रुपये भी हो सकता है सैलरी, कितनी भी गिरी हालत होगी तभी 18-19 हज़ार रुपये आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यदि आप डिप्लोमा किए हो और आपकी फ्रेशर सैलरी की बात करें तो डिप्लोमा वालों को भी 17-18 हज़ार रुपये फ्रेशर मिलता है। तो देखिए फ्रेशर लेवल में आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 1-1.5 हज़ार का अंतर रहता है आईटीआई और डिप्लोमा की सैलरी में। लेकिन जब एक्सपीरियंस की बात करें, अगर एक्सपीरियंस की बात करें 1-2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो देखिए 3 साल का अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल बाद डिप्लोमा वाला जो सैलरी पाएगा 40-45 हज़ार पाने लग जाएगा और आईटी वाला बंदा 25-30 हज़ार तक पहुंचेगा। तो 10-15 हज़ार का फर्क आ जाता है। और 10 साल एक्सपीरियंस की बात करें तो जो डिप्लोमा का बंदा है वो आराम से 80-90 हज़ार तक पहुंच जाएगा, 1 लाख तक पहुंच जाएगा, और आईटी का बंदा 50 हज़ार, यानी 50 हज़ार का सीधा डिफरेंस आ जाता है। इसलिए मैंने बोला कि आईटी और डिप्लोमा की सैलरी में अंतर बहुत रहता है आफ्टर एक्सपीरियंस, फ्रेशर लेवल में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। लेकिन यदि आईटी का बंदा भी आईटी के साथ साथ डिप्लोमा कर लेता है मान लीजिए जॉब करते हुए भी, तो इसकी भी सैलरी उतनी ही होगी और वो वही पोजीशन में पहुंच जाएगा जिस पोजीशन में डिप्लोमा का बंदा है, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें, अगर आईटीआई आपने किया और इंडस्ट्रियल स्किल आपके पास है, ऑटो कैड कैटिया या कोडिंग आपने सीख रखा है, यदि आप ऑटोमोबाइल में जा रहे हो और आपको सीएनसी प्रोग्रामिंग आ रहा है, कुछ भी मतलब जिस भी स्ट्रीम से आपने आईटीआई किया उसमें आपने प्रैक्टिकल स्किल कुछ भी आउट ऑफ मतलब आपने कहीं बाहर सीखा है, प्रैक्टिकली चीज़ें सीखा है जाके, बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो प्रैक्टिकल काम सिखाती हैं। तो दोस्त आप जब पढ़ाई कर रहे होते हो आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे होते हो, थ्योरेटिकली आपके पास नॉलेज होता है, प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं होता है। लेकिन जब आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर सीखते हो, प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखते हो, तो आपके पास चीज़ें प्रैक्टिकल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आ जाता है, प्रैक्टिकली चीज़ें सीख जाते हो, जिसकी वजह से जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे अपना ये सर्टिफिकेशन कोर्स लेकर जो आप पार्ट टाइम करते हो आफ्टर आईटीआई, तो दोस्तों आपका सैलरी में जो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा वो अलग ही लेवल का रहेगा। आपको अप्रेंटिसशिप में तो रखेगी कोई भी कंपनी, लेकिन आपका सैलरी जो है अप्रेंटिसशिप के बाद आपका तुरंत ही आपका सैलरी वहाँ पे 25-30 हज़ार रुपये कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास स्किल है। अप्रेंटिसशिप में बिल्कुल सेम रहता है सबका, अप्रेंटिसशिप में सैलरी सेम दिया जाएगा, लेकिन अप्रेंटिसशिप के बाद आपका सैलरी दूसरे आईटीआई के बंदों से कंपैरिजन में आपका सैलरी डिफरेंट रहेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि आप आईटीआई करने के बाद प्रैक्टिकल स्किल जरूर एक्वायर करो जो इंडस्ट्री के लिए नीडेड है, ठीक है। और डिप्लोमा करने के बाद भी यदि आप ऑटो कैड कैट या सॉलिड वर्क कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर सीख लेते हो और कुछ सीख लेते हो तो दोस्त आप डायरेक्ट यहाँ पर आप इंजीनियर की जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में रहोगे ट्रेनिंग के टाइम में, लेकिन आप डायरेक्ट असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में पहुँच सकते हो यदि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल होता है, आपने कुछ सीख रखा होता है, और आपकी सैलरी भी अच्छे नेक्स्ट लेवल देखने को मिलती है। 50-60 हज़ार रुपये सैलरी भी आपकी रहती है, कम से कम 7-8 लाख शुरू में पैकेज लगता है, उसके बाद 10-12 लाख 20 लाख तक का पैकेज आप गेट कर सकते हो यदि आपके पास प्रैक्टिकल स्किल है तो। आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिला है, हेल्प मिलता है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ये प्राइवेट और एमएनसी लेवल दोनों को मैंने बता दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस प्राइवेट और एमएनसी में देखने को नहीं मिलता, शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिले, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद आपको कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से हेल्प मिला चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद।